देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे एक टॉय जो कि कोनिकल शेप का और हेमिस्फेयर के ऊपर है, एक टॉय दिया गया है जिसमें कोन की हाइट 2 मीटर दी गई है, जिसमें कोनिकल पार्ट की हाइट यहाँ पर 2 मीटर है, जिसे मैं यहाँ पर H1 बोल रहा हूँ, और कोन के बेस की डायमीटर 4 मीटर है। कोन के बेस का डायमीटर मुझे यहाँ पर 4 मीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर रेडियस 2 मीटर हो जाएगी। और अगर कोनिकल पार्ट का रेडियस 2 है तो नीचे सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस भी हमारे पास 2 मीटर हो जाएगा। मुझे कहा गया कि इस पूरे टॉय का कोन प्लस हेमिस्फेयर से जो टॉय बना है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, टॉय सिर्फ कोन प्लस हेमिस्फेयर को बोला गया है, तो आपको टॉय का वॉल्यूम में इन्हीं दोनों फिगर का वॉल्यूम ऐड करना है। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr². हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। हाइट यहाँ पर आपको कोन के वॉल्यूम में कोन की डालनी है जो कि H1 है। सिंप्लीफाई जब मैं इसे करूँगा तो इसमें 1/3 πr² कॉमन हो पा रहा है, अंदर बचता है H1 + 2r। 1/3 π की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 गिवेन है, तो वही पुट करेंगे। रेडियस मेरे पास यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, H1 मेरे पास 2 है प्लस डबल ऑफ आर मेरे पास अगेन 2 है। इसे सिंप्लीफाई आप करोगे तो 1/3 × 3.14 × 2 × 2 × 2^4, 4 में 2 ऐड करोगे 6 आएगा, 3 × 6 यहाँ नंबर कैंसिल है। ये सभी नंबर मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 4 × 8, 8 की 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 25.12 cm³ आपके पास इस टॉय का वॉल्यूम आ जाएगा। अब उसने मुझे कहा कि आप सिलेंडर और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस भी बताएं, तो भाई सिलेंडर के वॉल्यूम में से टॉय का वॉल्यूम हटा दो तो डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेता हूँ। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला πr² h होता है, लेकिन क्वेश्चन रेज होता है कि सिलेंडर की हाइट क्या है। सोचिए कि यहाँ पर इस कोन का रेडियस 2 था, और आप जानते हैं एक कोन में रेडियस 2 है, सॉरी एक हेमिस्फेयर में रेडियस 2 है, तो उसकी हाइट भी 2 होगी। ये सभी डायमेंशन रेडियस जो है सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। खैर, यहां पर हेमिस्फेयर का रेडियस 2 है तो हाइट भी 2 होगी, यानी इस पूरे सिलेंडर की हाइट 2 + 2 = 4 cm हो जाएगी। अब मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो पाई की जगह मैं 3.14 पुट करूंगा, रेडियस मेरे पास 2 है और हाइट मेरे पास यहाँ पर सिलेंडर का 4 है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर 50.24 cm³ आ जाएगा। फिर मुझसे यहाँ पर सिलेंडर और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस वॉल्यूम निकालने के लिए मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से टॉय का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वॉल्यूम का डिफरेंस 25.12 cm² आ जाएगा, जो कि इसके सेकंड पार्ट का आंसर है।